इसमें भी मैंने भगवान की कृपा का अनुभव किया, अनुग्रहम मन्यमाना हो। नारद जी कहते मेरी माँ को सांप ने काट लिया, माँ की मृत्यु हो गई, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना। ये भी भगवान का अनुग्रह है, भगवान ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। माँ की जिम्मेदारी थी, भगवान ने उस जिम्मेदारी से भी हमें मुक्त कर दिया। अब तो मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं भगवान का खूब भजन करूं। मैं अकेले विचरण करता था, घूमते घूमते मैं एक नदी के सरोवर के तट पर पहुंचा और प्यास से व्याकुल था। सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष के नीचे मैं भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित तेजसा, भाव निर्जित चेतसा, भगवान का ध्यान मैंने किया, भगवान का दर्शन हुआ हृदय में। लेकिन अगले ही क्षण वो ध्यान टूट गया। बहुत प्रयास करने पर फिर भगवान का ध्यान नहीं हुआ, बड़ी व्याकुलता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अविपक्व कषायाणाम दुर्धर्षो दुर्धर्षो हम, अविपक्व कषायाणाम दुर्धर्षो हम को योगिनाम, जिनका ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है, जिनके अंतःकरण का मल पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है, ऐसे कुयोगियों का मेरा दर्शन दुर्लभ है। ये आकाशवाणी भगवान ने कहा। नारद जी कहते मैं तो 5 वर्ष का था। इस आकाशवाणी को सुनकर के मेरे मन में संदेह हुआ कि जब अविपक्व कषाय को भगवान का दर्शन नहीं होता तो एक बार भगवान ने हृदय में मुझे दर्शन क्यों दिया? अगर मैं अविपक्व कषाय था तो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहिए था, और एक बार दर्शन दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी कहते हैं उस प्रश्न का भी उत्तर आकाशवाणी के द्वारा मिला। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि सकृत यद्दर्शितम रूपम, एक बार मैंने अपने रूप का जो तुमको दर्शन कराया, एतत् कामायते नघ, एक बार अपने रूप का दर्शन जो मैंने तुमको कराया वो इसलिए कि तुमको मेरे रूप की लालच पैदा हो जाए, इसकी लालसा तुम्हारी दृढ़ हो जाए, तुम आगे और प्रयास करो और तब इसी कार्य में तुम लगे रहो और तुम्हें सफलता मिल जाए, इसलिए मैंने एक बार दर्शन कराया। सकृत यद दर्शितम रूपम, और हे बालक, इस जन्म में तुमको अब मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का था, मैं सोचने लगा कि इस जन्म में तो अब भगवान का दर्शन होगा नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने कह दिया, तो अब तो ये जन्म खत्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब ये जन्म खत्म होगा तभी दूसरा जन्म होगा, तभी भगवान का दर्शन होगा। तो मैं बहुत व्याकुल था, और उसी समय आकाश में बिजली चमकी, विद्युत पात हुआ और उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं उस योनि से, दासी पुत्र की योनि से निकलने के बाद मेरा जन्म हुआ। मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर के देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुआ। यही सनातन धर्म है, एक साधारण जीव भी ब्रह्मा का पुत्र हो सकता है, लेकिन सही दिशा में वो अपने कर्मों को करे। दासी पुत्र होकर के देवर्षि नारद पूर्व जन्म में अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, जो उनका धर्म है, और उस धर्म के पालन का परिणाम बोले अगले जन्म में ही उनका इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ कि वो ब्रह्मा के पुत्र बनकर के। आज का प्राणी इस जीवन के उत्कर्ष को केवल देखता है, इस जीवन में हम क्या कमाए क्या गवाए, क्या लाभ क्या हानि, लेकिन धर्मशास्त्र इस जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के उत्कर्ष को देख करके विचार करता है आगे इसे कहां तक जाना है। आज का मानव अपनी बुद्धि से समाज में केवल इसी जीवन की लाभ हानि को सोचता है और उसी दृष्टि से सबको तौलता है, चाहे धर्म को हो, चाहे व्यवस्था को हो, चाहे वातावरण हो, सबको उसी दृष्टि से वो तौलता है। लेकिन धर्मशास्त्र जीवात्मा के अनंत अनंत जन्मों पर विचार करते हुए
आगे अभी इसको उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कितने जन्म लेने हैं और किस गति से इसे चलना है, किस प्रकार से चलना है, ये निर्देश शास्त्र करता है। शास्त्र व्यक्ति के वर्तमान जीवन को लेकर के, इसके लाभ हानि को लेकर के, जीव के उत्कर्ष का विचार नहीं करता। वर्तमान जीवन में जो लाभ हानि है वो तो प्रारब्धवश है ही है, लेकिन आगे हम और उत्कर्ष को प्राप्त हो, और निश्चित रूप से उत्कर्ष का कारण कर्म है, और ये मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई उत्तर भी नहीं। अगर बड़े बड़े आज जो समाज सुधारक लोग, तथाकथित देश के कर्णधार लोग अनेक प्रकार के वितंडावाद पैदा करते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई जब सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सबके लिए समान अधिकार है, सबके लिए सब कुछ है, तो इस संसार में लोग दुखी क्यों हैं? उनके दुख को दूर करने का कोई उपाय तुम करके दिखाओ। जो दुखी प्राणी है, जो अज्ञानी है, और वहीं कोई व्यक्ति बहुत सुखी है और बहुत ज्ञान संपन्न है, प्रयास करके भी उसके समान वो व्यक्ति सुखी और ज्ञानी नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है? सबके कर्म में भेद है, सबके सुख दुख में भेद है, तो ये मानना पड़ेगा कि हर जीवों के कर्म अलग अलग हैं, और उन उन कर्मों के अनुरूप उनको वैसे वैसे संसाधन मिले हैं। अब उन संसाधनों को पा करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो आगे और बढ़ेगा, उत्कर्ष प्राप्त करेगा, दूसरे जन्म में और, उसके आगे जन्म में और, उत्तर उत्कर्ष उसका होता चला जाए। धर्मशास्त्र इस दृष्टि से विचार कर, नारद जी का इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बने। नारद जी कहते हैं, मुझे देवदत्त वीणा प्राप्त हुई, और इस देवदत्त वीणा को लेकर मैं सदा भगवान के गुणों का गान करता रहता हूं, विचरण करता रहता हूं, आनंद में रहता हूं। इसलिए आप भी भगवान का ध्यान करो, भगवान की समस्त लीलाएं आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी। संक्षेप में श्रीमद् भागवत तत्व को नारद जी ने व्यास जी को सुना दिया, नारद जी चले गए, व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो भगवान की संपूर्ण लीलाएं और सब कुछ ज्ञान विज्ञान व्यास जी के हृदय में भाषित हुआ, और फिर व्यास जी ने उसे लिपिबद्ध किया और 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में लिख करके प्रकट कर दिया। ये भागवत के प्राकट्य की भूमिका। वेद व्यास जी महाराज देवर्षि नारद के उपदेश से इस ग्रंथ को प्रकट करते हैं, और ये ग्रंथ परमहंसों की संहिता है, इसलिए भागवत के हर अध्याय के अंत में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है, भगवत प्रेमियों की, भगवत भक्तों की संहिता है। और फिर व्यास जी ने इस ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। व्यास जी ने सोचा ये परमहंसों की संहिता है, ये किसी परमहंस को ही पढ़ाएं, वही इसको ग्रहण करेगा। वेद वेदांत तो और विषय तो सबको पढ़ाया, लेकिन भागवत, बोले भागवत वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, जो जन्म से ही परम ज्ञानी थे, परमहंस। जन्म लेते ही सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए तप करने के लिए। उन सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने ये भागवत पढ़ाया। शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं सूत जी से कि सवई निवृत्त निरतो सर्वत्रोपेक्षको मुनि। सुखदेव जी तो निवृत्त मार्गी थे, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, और निरपेक्ष थे, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। इस दुनिया में किसी बड़े काम को करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर तब पैदा होती है जब उसके अंदर कोई अपेक्षा होती। निरपेक्ष व्यक्ति कुछ नहीं करता, हाँ, जिसको कोई अपेक्षा ही नहीं होगी वो कुछ नहीं करेगा, तो बैठा रहेगा, भोजन मिल जाए तो खा लेगा, नहीं आराम से सोएगा। क्यों? बोले उसको कोई अपेक्षा ही नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं। और ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं, कि तो पागल होगा, महामूर्ख महापागल, और कि तो फिर परमहंस ही होगा, परम ज्ञानी होगा, उसको भी कोई अपेक्षा नहीं, परमहंस। हां, दोनों पागल में अंतर होता, वो परमहंस भी एक प्रकार से पागल ही होते, लेकिन जो बौद्धिक स्तर से पागल हो गए वो तो सांसारिक पागल होते,
और जो हृदय के स्तर से पागल हो गए, जिनका हृदय भगवान के प्रेम में पागल हो गया, वो परमहंस होते। परमहंस पागल में यही अंतर है। गति दोनों की बाह्य दृष्टि से एक जैसी होती। पागल भी ऐसे ही आचरण करता, कहीं बैठा रहे, धूल में लोटता रहे, पड़ा है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। उसी प्रकार परमहंस भी होते। सुखदेव जी महाराज भी ऐसे ही दिगंबर घूम रहे, न देह पर वस्त्र है, न कुछ है, कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी विलाप करते हैं भगवान के प्रेम में, कभी दशम स्कंद का पाठ करते हैं, गुनगुनाते हैं, ऐसा उनका जीवन। तो परमहंस और पागल की स्थिति बाह्य दृष्टि से एक जैसी होती, लेकिन अंतर होता है। एक बुद्धि के स्तर से पागल होता, एक हृदय के स्तर से पागल होता। सुखदेव भगवान ऐसे, शौनक जी कहते हैं ऐसे निरपेक्ष मुनि सुखदेव जी को क्या अपेक्षा थी, क्यों उन्होंने इतने बड़े भागवत ग्रंथ को पढ़ने का श्रम किया, जो वेद पढ़ने का श्रम नहीं कर सके। जन्म लेते ही चल पड़े, न यज्ञोपवीत कराया, न गुरुकुल में गए, न वेद पढ़ने गए, कुछ नहीं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। उन सुखदेव ने इतनी बड़ी संहिता को बृहतीम कस्य वा बृहतीम एताम आत्मा राम समभ्यसत। आत्मा राम सुखदेव ने इतनी बड़ी संहिता का, परमहंसों की संहिता का अभ्यास क्यों किया, क्यों इसको पढ़ा? तो सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हैं कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। जो आत्मा राम है, जिनके जीवन में कोई ग्रंथ ही नहीं है, जिनके जीवन में कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे महापुरुष भी कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम। वो भगवान की अहैतुकी भक्ति में लगे रहते, उनकी भक्ति का कोई हेतु नहीं होता। बिना कारण सहज भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद सुखदेव जी ने समय आने पर राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित को कब सुनाया? बोले महाराज, परीक्षित को जब शाप हो गया कि आज के सातवें दिन तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि एक ऋषि के गले में उन्होंने मृत सर्प डाल दिया था, तो महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां एकत्रित हुए, सुखदेव भगवान भी आ गए। तो सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज परीक्षित ने पूछा कि अतः पृच्छामि सम सिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यही एक प्रश्न किया राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। ये प्रश्न केवल महाराज परीक्षित का नहीं है, हमारा आपका भी प्रश्न है, क्योंकि हम आप सब मरने वाले हैं, कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा, इसलिए हमको आपको क्या करना चाहिए मरने के पहले। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरियाने सते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न ये बहुत बरियान है, श्रेष्ठ है। ऐसे तो सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं, रात दिन सुनते रहो। बड़े बड़े काव्य हैं, बड़े बड़ी रचनाएं हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं, पढ़ो और सुनो। सुनने और पढ़ने के लिए विषय वस्तु का अभाव नहीं है दुनिया में, और लोग सुनते हैं, लगे भी हैं। लेकिन हे राजन, सब सुनने और पढ़ने का ये फल है कि अपने जीवन को हम समझ लें, ये जीवन मिला क्यों, इस जीवन का लाभ क्या है, इस जीवन में हमें क्या पा लेना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस जीवन का पर मोह के कारण वह उसी रूप में फिर उसी कुल में पैदा हो जाता है, और यही जीव का चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाएं, इसका यही उपाय है कि अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण हो जाए।
भगवान का ध्यान हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, इसका यही अर्थ है, अंतराम कही आवत नहीं। अगर अंतिम समय में भगवान का नाम आपके मुख से कहला गया तो फिर आवत नहीं, फिर संसार में उसको आना नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे भगवान का नाम मुख में नहीं आता, कब आएगा? बोले आज से आप प्रयास शुरू करोगे, अभी से शुरू करो, प्रतिज्ञा कर लो, अब भगवान का नाम जपेंगे, कथा सुनेंगे, पवित्रता से रहेंगे, ठाकुर जी का ध्यान करेंगे, रामायण गीता का स्वाध्याय करेंगे। इस प्रकार जब हम आचरणशील बनकर इस मार्ग में लगे रहेंगे, अभ्यास हमारा चलता रहेगा, तो अभ्यास करते करते कई वर्षों में जब ये एक प्रक्रिया के तहत आ जाए, ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाए, तब जब जीवन का अंतिम समय आएगा तब भगवान का स्मरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे ही सोचो कि मरते समय भगवान की याद आ जाए, बहुत कठिन है। याद करने की कोशिश भी व्यक्ति करे तो संसार के प्राणी उसको याद नहीं करने देते। आदमी बीमार हो जाता, मरने लगता, बिस्तर पर पड़ा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, परिवार के लोग सबको बुला लेते हैं, नाती पोता भाई बंधु सब आ जाओ, क्यों? बोले बाबा जी अब जाने वाले, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब घेर करके उस मरने वाले व्यक्ति को बैठ जाते हैं और सब यही कहते हैं दादाजी हम फलाने हैं, दूसरा कहता है ये देखो आपको मिला, कहता है ये देखो आपको आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं, फला जगह से आए। वो मरने वाला व्यक्ति उन नाती पोता अपने रिश्तेदारों का स्मरण करे कि भगवान का स्मरण करे? ये परिवार के लोग उसे भगवान का स्मरण करने नहीं देते, ये बड़ी विडंबना, जबकि जानते हैं कि ये मर जाएगा, लेकिन अपने मोह के कारण, अपने अज्ञान के कारण उस व्यक्ति के मरण को भी लोग बिगाड़ देते। अगर आप सच्चे हितैषी हो तो किसी का मरण मत बिगाड़ो, उसके मरण को संवारो। और मरण कैसे संवरता है? मरण भी मंगलमय हो, मरणम यत्र मंगलम, धन्योस्ति संप्रदायो यम मरणम यत्र मंगलम, यही भारतीय संस्कृति है। जिस संस्कृति में मरण को भी एक मंगल महोत्सव के रूप में अनुभव किया जाता है, दुनिया में मरने पर लोग आंसू बहाते हैं, रोते हैं, अज्ञानी लोग आज भी रोते हैं, लेकिन जिस राष्ट्र में, जिस धर्म में, जिस सिद्धांत में ऋषियों ने यह संदेश दिया कि मृत्यु को भी मंगलमय बनाओ, तुम्हारा मरण भी मंगलमय हो जाए, मरणम यत्र मंगल, ये मरण मंगलमय कब होगा? बोले मरते समय जब मंगल भवन अमंगल हारी का स्मरण होगा तो ये मरण भी मंगलमय होगा। यही भागवत का सिद्धांत है, भागवत यही कहना चाहती, मरणम यत्र मंगल। लेकिन संसार के लोग व्यक्ति का मरण बिगाड़ देते, जब तक वो जिंदा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब मर जाएगा, तो अब उसकी मृत्यु सन्निकट आ गई तो उसे भगवान का स्मरण कराओ, उसके पास बैठकर उसे अच्छी अच्छी कथाएं सुनाओ, गीता का पाठ सुनाओ, कीर्तन करो, उसके कान में राम नाम जाए, उसके मुख में तुलसी दो, चरणामृत दो, गंगा जल पिलाओ। परिवार की बात मत सुनाओ, रिश्तेदार नातेदार की बात मत सुनाओ। लोग पूछते हैं बाबा किसी को कोई उधार उधार दिए हो तो बता दो, चाबी वो भी कहां है, कौन कौन सा खाता है। व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है संसार का, प्राण उसका मरण बिगाड़ देता। मरण मत बिगाड़ो, मरण संवारो। और विडंबना देखो, जब व्यक्ति मर जाता है, जब तक वो जिंदा था तब तक उसको भगवान का नाम नहीं बताया, उसको ये बताते रहे तुम्हारे नाती हैं, तुम्हारे पोता हैं, ये तुमसे मिलने आए हैं, ये तुमको देखने आए। जब वो व्यक्ति मर जाता है तब लोग उसके पास बैठ करके कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब क्या राम नाम सत्य उसको सुना रहे हो? सुनने वाला तो गया, जीवन रहते उसको राम नाम सत्य है ये सुनाना चाहिए था। इसका मतलब क्या है?
बोले जो तुम देख रहे हो ये सत्य नहीं है, बेटा सत्य नहीं, पोता सत्य नहीं, घर मकान सत्य नहीं, सत्य तो केवल राम है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य तो भगवान है। इस सत्य का बोध मरने के पहले हो जाएगा, मरने के एक क्षण पूर्व इस सत्य का ज्ञान दृढ़ हो जाए। भगवान ही सत्य है, सत्यम परम धीमहि। लेकिन उस सत्य का हम बोध नहीं कराते, उस समय तक तो उसको यही बताते हैं यही सत्य है, और जब मर जाता तब कहते हैं राम नाम सत्य। कितना बड़ा धोखा है जीव के साथ, सोचो। अब किसके लिए बोल रहे हो राम नाम सत्य? अगर उसके लिए बोल रहे हो तो वो तो गया, आप सुनने वाला नहीं। और अगर अपने लिए तुम बोल रहे हो कि हमको ये समझ में आ गया कि राम नाम ही सत्य है बाकी सब झूठा है, तो इस बात पर तुम टिके रहो, ऐसा भी नहीं। व्यक्ति उस बात पर टिका नहीं रहता, जाते समय बोलता है राम नाम सत्य है, लेकिन उस मुर्दे को फूंक करके जला करके जब आता है तो आते समय नहीं बोलता है राम नाम सत्य। लोगों ने यह समझ लिया कि केवल मर जाने पर ही राम नाम सत्य है, ये कल्पना करनी चाहिए, सोचना चाहिए। अरे राम नाम तो सदा सत्य है, चाहे कोई मरे चाहे जिए, राम नाम ही सत्य। लेकिन ये चीज हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए, ये भावना दृढ़ हो जाए भगवान ही सत्य है। सुखदेव जी कहते हैं अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो, यही मानव जीवन का परम लाभ।